मैं तो कहता हूं मुसलमानों को कि हम आपको अपने परिवार के साथ जोड़ सकते हैं यदि आप ये मान लें कि आपका पूर्वज हिंदू है और मैं ये इसको मैं डीएनए से सिद्ध कर सकता हूं। किसी मुसलमान का खून दीजिए या खून की जरूरत नहीं है, बाल का भी सैंपल दीजिए, मैं दिखा देता हूं कि उसका डीएनए वही है जो हिंदू का है। तो क्यों शर्म आनी चाहिए ये स्वीकार करने के लिए कि मेरा पूर्वज हिंदू है। पद्धति बढ़ जाए बदल जाए, उपासना पद्धति बढ़ जाए बदल जाए, लेकिन संस्कृति तो नहीं बदलती। मुसलमान ने जो भी योगदान दिया ठीक है, परंतु आखिर में इस देश का मूल धारा तो हिंदू ही रहेगा। गंगा में इतने नदियां जुड़ते हैं परंतु नाम तो गंगा ही रहता है, उसका नाम तो बदलता नहीं है। यह है अस्मिता हमारी, और इस अस्मिता को कैसे और शक्तिशाली की जाए, कैसे और उसकी आधार को मजबूत की जाए, इस पर सोचना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपको समझना चाहिए आपकी शत्रु कैसे हैं। मैं मुसलमान का बुराई कभी नहीं करूंगा क्योंकि उनकी प्रशंसा करूंगा कि उनका दिमाग साफ है। ये हिंदू का दिमाग जो है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, उलझन में है। जिस दिन हिंदू का दिमाग ठीक हो जाएगा, मुसलमान भी ठीक हो जाएगा। वो मोहम्मद ने उनको सिखाया है, जहां वो मेजॉरिटी में है मुसलमान किसी को बख्शेगा नहीं। वहां सऊदी अरेबिया में मंदिर बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। दिवाली मनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा बनाने करने देंगे? नहीं देंगे। पॉकेट में रामचंद्र जी का फोटो रख के नौकरी में जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, और सजा मिलेगी करोगे। उनका दिमाग साफ है। यहां इस्लाम और कुछ नहीं, ना चर्च होगा ना मंदिर होगा। इसी प्रकार से जहां मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है परंतु जो मेजॉरिटी में है वो तगड़े हैं, तो मुसलमान कुछ भी मानने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कोई मुसलमान विरोध करता है? एक बार एक मुल्ला ने विरोध किया, कहा कि नहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए ठीक नहीं है, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है तो फिर दूसरा देश जाओ, यहां तो यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा दिन और सारे मुसलमानों के संगठन ने बयान दिया कि ये मुल्ला पागल है, हमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां भी मुसलमान नहीं विरोध करते, परंतु हिंदुस्तान में विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पिलपिला है, रसगुल्ला है, हमारे ठोस नहीं है, विराट नहीं है। हमारी इस बात को साफ रखने के लिए हमें हिम्मत नहीं है, हमें हीन भावना है, और ये हीन भावना आ जाती है। मैंने कई जगहों में लोगों से कहा है कि ना हमारी संख्या ना हमारी शक्ति से ये देश बनेगी। हमारी देश की मंशा, हमारी जनता की मंशा, हमारे लोगों की मंशा से बनेगी। एक विराट हिंदू खड़ा होगा तो इस देश की मंशा बनेगी, नहीं तो हजार बकरी एक जगह में खड़ी है, संख्या तो बकरी के पास होगी जब एक शेर आएगा, लेकिन एक शेर को देखकर सारी बकरी भागेंगे क्योंकि उनकी मंशा ऐसी है। सर्कस के अंदर तगड़े सिंह होंगे और एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर आकर के उस सिंह को कहेगा ऊपर चढ़ो, पांचों पांच ऊपर चढ़ेंगे मेज के ऊपर। एक एक के पास इतनी ताकत है कि वो उस रिंग मास्टर को खत्म कर सकता है, परंतु नहीं करता है क्योंकि उसको छोटे, जब वो छोटा था वो सिंह, उस समय से इसको तैयार की गई है कि आज्ञा मानना है, तो आज्ञा मानना वो स्वाभाविक समझता, अपनी ताकत नहीं जानता है। मुझे ये लगा जब लोग पूछते हैं कि मनमोहन सिंह सोनिया का इतनी बात क्यों सुनता है, प्रधानमंत्री के पद में बैठा है, इतनी बड़ी शक्ति है, मैं कहता हूं वो भी सर्कस का सिंह है, आज्ञा मानना ही जानता है। तो मैं यही कहता हूं कि आज बनना है
तो एक विराट हिंदुस्तानी बनना है। मैं तो कहता हूं मुस्लिम क्रिश्चियन दोनों को अपने साथ पारिवारिक रिश्ता रखने के लिए तैयार है, यदि ये मान ले कि उनका पूर्वज हिंदू है। क्रिश्चियन तो मानने के लिए तैयार है। मुल्ला मस्जिदों में बैठे मुल्ला लोग, उनको डर है कि एक दिन मुसलमान ये मान लेगा तो इतनी निकटता हो जाएगी कि वो कल धर्म बदल देगा, वो हिंदू बन जाएगा। तो इसीलिए उनको अकेला रखने के लिए वो कहते हैं नहीं, आपका रिश्ता है इंटरनेशनल इस्लामिक मूवमेंट। परंतु हमारी परीक्षा आने वाली है, हमें तैयार आज से ही होना है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं बता रहा हूं कि एक साल डेढ़ साल के अंदर तालिबान की सरकार बनेगी, पाकिस्तान में बनेगी तो अफगानिस्तान में बनेगी, अमेरिका वहां से निकल जाएगी। वो कहते हैं, वो कहेंगे जाओ जाओ जन्म में जाओ, मुझे हमें क्या है, हमने जितना त्याग करना कर दिया है। लेकिन असर होगा हमारे ऊपर। मैं आज कहता हूं कि आप तालिबान की जो लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, क्या लिखा है कि हिंदुस्तान अधूरा इस्लामिक इतिहास है। क्यों? क्योंकि बाकी जगहों में हमने 100% मुसलमान बनाई, इस देश में नहीं बना सके, इसको पूरा करना है। जहां भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान मेजॉरिटी में है और सरकार में है, देखो हिंदुओं की हाल क्या है। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर भेज दिया है और वो कैंप में वापस नहीं जा सकते। हमारी सरकार भी हताश होकर बैठी है। छोटी छोटी जगहों में देख सकते हैं आप, जाकर केरल में मल्लापुरम में देखो, तमिलनाडु में एक छोटा, तमिलनाडु में कुल मिलाकर के मुसलमान 5% है, परंतु जहां भी टाउन पंचायत में वो मेजॉरिटी में है, उनका दिमाग दूसरा है। तो इसीलिए आज हमें संगठित होना है। मुस्लिम तुष्टीकरण कहने से क्या फायदा है, वो संगठित होकर वोट डालते हैं तो हमारे नेता भी चापलूस होकर के उनके पीछे भागते हैं। एक बार दिखा दो हिंदू कि हम इकट्ठा वोट डालेंगे जो हिंदुत्व के लिए बोलेगा, कल इतिहास बदल जाएगी हमारे देश के। मैं नहीं चाहता हूं सब हिंदू वोट डाले, हम तो 83% है, 40% डालेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मिल जाएगी। 40% ही डाले, आधा हिंदू, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनमें से आधा लोग हमारे एक पार्टी को दे दे जो हिंदुत्व के लिए साफ साफ बोलने के लिए तैयार हो, और मैं कहता हूं कि इतिहास बदल जाएगी। सब चीजों के लिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं यदि सरकार अपने हाथ में होगी। 370 धारा को हटाना चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। घर में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन है, पढ़िए 370, लिखा है कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से हट सकती है। एक धारा है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए पार्लियामेंट की वोट की आवश्यकता नहीं है, उसको रद्द करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, वो है 370 धारा, बिकॉज वो टेम्पररी था, उसको परमानेंट कर दिया हम लोगों ने, यानी अपने अपने व्यवहार से उसको परमानेंट कर दिया। परंतु आज भी एक कोई विराट सरकार बनेगी, सिर्फ राष्ट्रपति को बताना होगा कि निकाल दो नोटिफिकेशन, 370 धारा चली जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, उसके लिए कानून बनाने की बात है।